जो बोले सो निहा सत श्री अकाल। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक, सारे विश्व की इको एक आस, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साह संगत, अते स्टेज ते बहुत ही सत्कारयोग शख्सियतां संत महापुरख सिंह साहिबान, आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नाम जपण वालियां रूहां दी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी के अंदर बहुत रज के गुरु साहब ने तारीफ की, और जेडे पूर्ण संत ने उहदी परिभाषा उहदी डेफिनेशन गुरु साहब ने बाणी च नियुक्त की है, जिन्ना सास गिरास न विसरै हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूर्ण सेई संत। ते मैं समझदा श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी सरियाली साहब वाले महापुरख, उन्हां तो वरोसाए हुए श्रीमान संत बाबा चरण सिंह जी सरियाली साहब वाले महापुरख, ये उस अकाल पुरख वाहिगुरु वालों भेजिया हुई प्यारियां शख्सियतां ने, जिन्हां ने एक आम परिवार के विचों उठ के पूरे हिंदुस्तान के विच ही सिखी के प्रचार के डंके जिहड़े वजा दिते। अज जदों संगतां ट्रकां ते हजूर साहब नूं जांदियां ने, कोई समां सी गुरु की साध संगत रस्ते विच किते जल पाणी दा वी प्रबंध नहीं सी हुंदा, पर महापुरखां ने इन्ने वड्डे इतिहासक गुरधाम उसारे ने, इन्नियां वड्डियां सेवावां पंथ की झोली विच पाईआं ने कि अज उह सारा कुछ साडे सामणे है। बड़ी खुशी की गल है, सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब वो साडे दरम्यान पहुँचे ने। सो उन्हां महापुरखां नूं सिजदा करन वास्ते गुरु की साध संगत आपां सारे देशां विदेशां दे विच्चों कोने कोने विच्चों पहुँचे हाँ। गुरु साहब कृपा करन असीं उन्हां दे दरसाए हुए रस्ते दे उत्ते चल के गुरु की साध संगत खंडे बाटे दा अमृत छकीए, गुरु वाले बणीए, तां ही साडे मनाए हुए समागम सफले होणगे। सारयां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। जो बोले सो निहा।